कहा जाता है कि मौत एक सच है और ये किसी भी रूप और किसी भी तरह आ सकती है। ऐसा ही मामला हिमाचल के बिलासपुर जिला के स्वारघाट में टूरिस्ट बस हादसे में सामने आया है। युवती एक हादसे में तो बच गई पर दूसरे में उसे जान गंवानी पड़ी। मानो कि मनाली से ही मौत युवती का पीछा कर रही हो। मनाली से अमृतसर और दिल्ली जा रही दो बसें स्वारघाट में गरम मोड़ में हादसे की शिकार हो गई। इसमें एक टूरिस्ट बस बीच सड़क पर पलट गई तो दूसरी ढांक पर अटक गई। हुआ यूं, एक पंजाब नंबर की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में सभी सुरक्षित बच गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद स्वारघाट पुलिस मौके पर पहुंची, यात्रियों को अपने गंतव्य की तरफ भेजने की तैयारी करने लगी। बस से उतरकर यात्री सड़क किनारे खड़े होकर इंतजार करने लगे। इसी बीच मनाली की तरफ से एक दिल्ली नंबर की टूरिस्ट बस आई। पुलिसकर्मी ने बस चालक को रुकने का इशारा भी किया लेकिन ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया और बस अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित बस की चपेट में सड़क पर खड़ी दूसरी दुर्घटनाग्रस्त बस सवार 20 से 25 साल की युवती और अन्य लोग आ गए। इससे लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही 5 घायल हुए हैं जिन्हें नालागढ़ अस्पताल ले जाया गया। उक्त लड़की मोबाइल फोन पर बात कर रही थी। दोनों बस में करीब 80 लोग सवार थे। पहली बस मनाली की तरफ से अमृतसर जा रही थी। अचानक गरा मोड़ के पास बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में सवार सभी यात्री महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। ये सभी नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए हिमाचल आए हुए थे। दूसरी बस पंजाब नंबर की है। हादसे के बाद दोनों बसों के चालक मौके से फरार हो गए। हादसे का कारण ओवरस्पीड माना जा रहा है।